एक बीकर में पानी का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है, इसको फारेनहाइट में मलोम करना है, ठीक है। टेम्परेचर जो हमें दिया गया है वो है 50 सेंटीग्रेड। ब्लूम क्या करना है इसको फारेनहाइट में, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन आपने याद करना है 1.8 C/32, ये आपने याद कर लेना है। तो सेंटीग्रेड की वैल्यू 50 है प्लस 32, आगे आप कैलकुलेटर से कर लेंगे इसको। 1.8 × 50 इक्वल प्लस, इसमें क्या करना है 32 प्लस 32, ये आ जाएगा 1.22 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट है, सेल्सियस में और केल्विन में तब्दील करना है। टेम्परेचर जो दिया गया है हमें वो फारेनहाइट में है, 98.6 फारेनहाइट। सेल्सियस के लिए अभी हमने रिलेशन पढ़ा F इज इक्वल टू 1.8 C + 32। F की वैल्यू है 98.6, 32 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, उधर क्या रह जाएगा 1.8 C, इनको माइनस कर लेंगे, 98 - 32 98.6 - 32 ये आ गया 66.6, ये 1.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दें इसको, ये आ गया 37, ये सेल्सियस में आ गया, ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में। अब इसको केल्विन में भी करना है। केल्विन के लिए रिलेशन ये होता है कि जो भी सेंटीग्रेड की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दें, क्या कर दें 273, ये केल्विन में आ जाएगा प्लस 273, ये आ गया 310 केल्विन, ठीक है जी।